हाँ जी, क्या हाल चाल है। आज हम रिव्यू करेंगे, रिएक्शन देंगे सूप के बारे में, जो कि रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पर, एंड इट इज अनदर नेटफ्लिक्स ओरिजिनल। बस फिर देर नहीं लगाते और फौरन से पहले प्ले करते हैं इसका टीजर, और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा अपना रिएक्शन। 3, 2, 1। अगर by any chance this works out, just imagine tumhare paas sab kuch hoga and we'll be married. Achukan, kya hua? Tum Mr. Shetty aur main Mrs. Shetty, forever and ever and ever. मुझे क्या पता था कि मर जाएगा। मरा नहीं हो बेइज्जत। पॉज करेंगे और एक बार ये दोबारा से देखेंगे। ये जो भी एक्ट था मनोज बाजपेयी का, देखें बड़े एक्टर्स जो होते हैं ना वो कुछ अलग करते हैं, और मनोज बाजपेयी आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। आराम से टॉप 5 में चलिए आप आते हैं। 100 करोड़ किए वाम ने, टॉप 5 में आना आई थिंक इट्स ह्यूज डील। और मैं आपको एक्ट दिखाता हूँ, आप डायलॉग डिलीवरी देखें और आप लेवल चेक करें। सूप से आते हैं। मुझे क्या पता था कि मर जाएगा। मरा नहीं हो बेइज्जत। मुर्चा जी, साथ हो तुम्हारे हमेशा के लिए। वाओ, दैट वाज अ राइड। सबसे पहले तो जी ये मैं आपको बताऊंगा, इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ सीरीज। सेकेंडली, व्हाट आई एंजॉयड द मोस्ट इन दिस टीजर वाज द साउंड डिजाइन। जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने कट टू कट साउंड डिज़ाइन के साथ प्ले किया ना, दैट वॉज वर्ल्ड क्लास। वहीं पे आपकी टोन सेट हो जाती है कि भाई दीज गाइज आर सीरियस। आई सिंपली लव द कट, द वे इट हैज़ बीन एडिटेड, स्पेशली द टीजर। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंसेज की, तो मेरा ख्याल है कंकना सेन और मनोज बाजपेयी, इट्स लाइक विटनेसिंग टू टाइटन्स एक्टिंग टुगेदर। तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड, और द वे बोथ ऑफ द एक्टर्स हैव परफॉर्म, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। कैरेक्टर्स बड़े डीप हैं, और वो जो उसने कहा था ना व्हाट द फक, वो इतना मज़े का उसने बोला था, मतलब वो इतना कूल लग रहा है। मनोज बाजपेयी जो है ना यार, देखें आप सिर्फ लेवल चेक करें कि वो कितना वर्सेटाइल एक्टर है। मतलब आप ये 2-4 एक्ट्स इसमें देखें, वो इतने ज़बरदस्त थे। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ट्रीट। जनरली हम बहुत अच्छे एक्टर्स जो होते हैं उनको एक पैरेलल सिनेमा में हम देख के जज करते हैं, लेकिन ये जो हाई टेम्पो और ये थ्रिलर वाला एलिमेंट है, इसके साथ जब हम हाई एंड परफॉर्मेंस देखेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ अ ट्रीट दैट वी विल बी ऑफर्ड। नेटफ्लिक्स इंडिया इज़ फाइनली प्रोड्यूसिंग ग्रेट स्टफ वंस अगेन। बीच में इनका बड़ा बुरा डिप आ गया था, लेकिन अब जब हम इस तरह के प्रोमोज देख रहे हैं, स्पेशली कमिंग आउट ऑफ इंडिया, तो वो एक बड़े मज़ेदार चीज़ है जी, और पाकिस्तानी ऑडियंस एज वेल, क्योंकि ज़ुबान जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, शक्लें जो हैं वो हम लोगों की आपस में मिलती जुलती हैं। तो जब इतना अच्छा आर्ट भी देखने को मिलेगा तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड सिचुएशन फॉर अस। क्रिएटर की, डायरेक्टर की बात कर लें तो अभिषेक चौबे हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। इश्किया आप लोगों ने देखी होगी, डेढ़ इश्किया भी देखी होगी, और भी बहुत सारी अच्छी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट की हैं। ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। और रिसेंटली अभी एक फिल्म आई थी डार्लिंग्स, वो भी इसी जॉनरा पर बनी हुई थी, डार्क कॉमेडी थ्रिलर, ये भी इसी जॉनरा में है। तो ये जॉनरा जो है ना, बड़ा मज़ेदार जॉनरा होता है, इसमें आपको हाई टेम्पो होती है, और जिस तरह का इन्होंने कट दिखाया हमें ट्रेलर में, टीज़र में, अगर उसी तरह के कट और उसी तरह के टेम्पो के साथ ये चलेंगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वॉच। जहाँ तक रिलीज डेट की बात है तो मिड अक्टूबर की अफवाहें फैली हुई हैं, तो लेट्स सी मिड अक्टूबर में ये रिलीज़ होती है या नहीं होती। इसका रनडाउन होगा 52 मिनट्स पर एपिसोड, और 8 एपिसोड्स जो हैं वो इसके रिलीज़ होंगे इन सीज़न 1।
देखते हैं कि सीजन 2 की तरफ ये जाएगी या नहीं जाएगी, कांट वेट टू वॉच इट। तो ये था जी मेरा रिएक्शन ऑन द टीजर ऑफ सूप द वेब सीरीज दैट इज कमिंग वेरी सून। खैर मिलते हैं बहुत जल्द और रिव्यूज़ के साथ और प्रीव्यूज़ के साथ और रिएक्शंस के साथ। बाय।